hi if you can see it in your mind you can manifest it in your reality today is 5th of august 2022 let us have a quick discussion of all these important topics this is telegram quiz everyday in morning we are having five such multiple choice questions join then this is quiz number 95 polity a high court judge addresses his letter of resignation to the president उट ट्रायल फॉर थ्री मंथसोज इशूड प्रोसीजर इज पेंडिंग इन कोर्ट दोहिबिशन दिस इज ऑफ रेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजि पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट तो यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कॉन करेंट लिस्ट ये मैं सोर्स ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल है कॉन्स्टिट्यूशन क्विज नंबर नाइनटी सिक्स इकोनॉमिक्स के सवाल है आज डेफिसिट फाइनेंसिंग लीड्स टू इन्फ्लेशन इन जनरल बट इट कैन बी चेक इफ इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा टेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट राइट ऑप्शन क्या है टेल इफ द कैश रिजर्व रेशियो इज लोवर्ड बाय द आर बी आई इट्स इम्पैक्ट अपॉन क्रेडिट क्रिएशन विल बी वॉट द मेन कॉज ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज वॉट टू ऑपटेन फुल बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंट वॉट शुड इंडिया डू सो दीज आर फाइव क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकेबलरी है स्टेव ऑफ इसका मतलब होता है टालना कॉज और अरेन्ज फॉर समथिंग टू टेक प्लेस एट अ टाइम लेटर देन दैट फर्स्ट स्कैडूल्ड स्क्ॉलर स्कॉलर का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बींग एक्सट्रीमली डर्टी एंड अनप्लीजन डर्टीनेस्ट डर्टी प्रकैरिटी का मतलब होता है अनिश्चितता द स्टेट ऑफ बींग precarious और अनसर्टेन बैलिकोज का मतलब होता है लड़ाकू belligerent, अग्रेसिव हॉस्टाइल ऑस्टैरिटी का मतलब होता है कठोरता स्टर्ननेस और सिवेरिटी ऑफ मैनर और एटीट्यूड सो दीज आर वोकेबुलरी वर्ड्स फॉर टूडे इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो नाउ दिस इज सी सेट This is the first question. This is reading comprehension. Read this paragraph and try to answer this question. Then this is speed, distance and time. Try to answer this question as well. और आज जो है न्यूज़ आया है रामसर वेटलैंड साइट्स ऑफ इंडिया में न्यू एडिशन हुए न्यू एडिशन हुए दिस इज अ वेरी गुड मैप इसका हाई रेजोल्यूशन मैप मैं आपसे आपके साथ शेयर करूँगा ये जितने भी नाम हैं यहाँ पे इनका एक रफ आइडिया हमें होना चाहिए कि ये लेक कहां पर है स्पेशली जो वेटलैंड हैं जो वेटलैंड हैं जो रिसेंट एडिशन है रिसेंट एडिशन है जैसे सतकोसिया दिस इज रंगाथू गल्फ ऑफ मन्नार नंदा लेक दिस इज सिरपुर एटलीस्ट दिस इज एटलीस्ट ये 2022 के जो हैं ये नाम आपको पता होना चाहिए ओके सो लेटेस्ट अभी सिक्स एडिशंस हुए हैं सिक्स एडिशंस हुए हैं उनके नाम क्या है ये भी बताइए एंड लेट अस प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन रामसर वेटलैंड साइट्स रामसर वेटलैंड साइट्स और इसमें मॉन्ट्रेक्स अकॉर्ड क्या है उसका भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है उसका भी ओके रामसर साइट्स एंड मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड सो ये रामसर वेटलैंड साइट्स ऑफ इंडिया है ये वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए और जैसे फ्लड लाइक सिचुएशन आ रहा है वाटर का शॉर्टेज एक्सेट्रा इन टोटेलिटी दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उत्तराखंड का स्टेट ट्री है दिस इज बुरनाश रोडेंड्रोन दिस इज बुरनाश उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है ब्रह्म कमल उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है हिमालयन मोनल और ये उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है जिसका नाम है हिमालयन मस्क डियर इस मस्क डियर की स्पेशलिटी क्या होती है टेल सो so, ये है दिस इन्फोग्राफिक्स आज फिफ्थ ऑफ अगस्त है फिफ्थ ऑफ अगस्त के ये दो सवाल हैं कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं अभी लेट इस ट्राई टू लर्न अबाउट कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या होता है बिकॉज इंडिया भी पार्ट है मेम्बर है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का जी एस पेपर टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द कामनवेल्थ ऑफ नेशंस और इसका डिस्कशन करते हैं इसकी इम्पॉर्टेंस का इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इंटरेस्ट जैसे यूनाइटेड किंगडम ब्रेगजिट भी हो रहा है ट्राई टू थिंक एंड प्रिपेयर अ वेरी गुड आंसर दिस इज इम्पॉर्टेंट इज द डिक्लाइनिंग रुपी ऑफ क्राइसिस ऑन एन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स ये थोड़ा एनालिटिकल टाइप का है थिंक ये जो रुपी डेप्रिशिएट हुआ है ये एक क्राइसिस है या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी है प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स आप फॉर में भी बोल सकते हो आप अगेंस्ट में भी बोल सकते हो ओके सो दिस इज फिफ्थ ऑफ अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी टू और ये आज का न्यूज पेपर है बिफोर दैट दिस इज थर्ड ऑफ ऑगस्ट प्लस टू साइकिल हम फॉलो करते हैं बट अभी कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आ रहा है आंसर सबमिशंस में सो लेट इस डू वन थिंग इसको हम कल डिस्कस कर लेते हैं ओके okay? जैसे प्रियंका ने अभी टेन मिनट पहले सेंड किया है कुछ इसमें मैंने अपडेट्स भी किए हैं जब ऐसा डिफिकल्टी होता है ना तो आप अपने मोबाइल का अपने कंप्यूटर लैपटॉप जिसमें डिफ़िकल्टी हो रहा है उसका आप वेबसाइट से लॉग आउट करो उसका हिस्ट्री क्लीन करो ब्राउज़र का और आफ्टर सम टाइम ट्राई अगेन एक्चुअली ये जितनी भी डिफिकल्टी आती है ये सब डिस्कस के एंड से आती है वेबसाइट के एंड से नहीं है डिस्कस में एक स्पैम फिल्टर होता है वो इनेबल ट्रिगर हो जाता है एट टाइम सो टेक सम टाइम थोड़ा ब्रेक लो आफ्टर थर्टी मिनट वापस ट्राई करो उसको तो फिर वर्क होना चाहिए ओके okay? और अगर फिर भी अगर स्पैम में जा रहा है तो जस्ट मैसेज में मैं आपका कमेंट री कर दूंगा ऑल राइट नाओ लेटेस्ट कम टू दिस द हिंदू एंड ये यूट्यूब कॉमेंट्स हैं वेरी गुड आप लोग बहुत अच्छे से पूरा वीडियो अटेंटेटिवली देख रहे हो और सारे आंसर्स कर रहे हो देखो इससे लर्निंग आउटकम टू एक्स हो जाता है केवल वीडियोस को अगर हम जैसे टीवी सीरियल्स एट्सेट्रा की तरह जस्ट देख रहे हैं ना तो लर्निंग आउटकम नहीं होता है रिटेंशन नहीं होता है सो दिस इज गुड बी अटेंटिव लिसन टू द एंटायर वीडियो केयरफुली एंड आंसर आंसर जो इन बिटवीन जो questions पूछे गए आपका लर्निंग आउटकम बेटर होगा ओके सो दिस इज़ वेरी गुड संधू राम नरेश गुड इवनिंग संधू ने सारे आंसर्स यहाँ पे किए बाल्टिक और सी पैरिफरल कितना सारा नॉलेज गेन हो रहा है पार्टिसिपेट यू हैव टू पार्टिसिपेट दिस इज सिंपल बट सिंपल चीज़ें ही डिफ़िकल्ट होती है फिर एग्जाम टाइम होता है फिर हम एक्स्ट्राऑर्डनरी हेरोइक करने की कोशिश करते हैं आज सिंपल सिंपल चीज़ों से काम हो रहा है आज ही काम करिए आकांक्षा दिस इज वेरी गुड सी सीवीसी पे कितने अच्छे से अब नोट तैयार हो गया दिस इज राम नरेश वेरी गुड बाल्टिक कंट्रीज मैपिंग भी हो गया दिस इज सी वी सी अपॉइंटमेंट वेरी गुड हरजिंदर वेरी नाइस सुंदर वेरी नाइस राज चाहबहर पोर्ट प्रिंस ने सी सेट भी सॉल्व किया है दिस इज रियली गुड समीर सबीर आयरन पुनीत आकांक्षा राज अदिति अब सी दिस सी वी सी नोट दिस इज रियली गुड तो द आइडिया इज लिटिल बाय लिटिल वन ट्रेवल्स फॉर रोज का काम रोज करना है सिस्टमैटिक पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है आपको सक्सेस मिलेगा आप शॉर्टकट करोगे फाउंडेशन वीक होगा एक ही लूप में फंस के रह जाओगे ऐसी गलती नहीं करना है ओके सम थिंग्स टेक्स टाइम कुछ टाइम लगता है गेस्टेशन पीरियड होता है डोंट गिव अप उसको फॉलो करो एटलीस्ट टू टू थ्री मंथ्स राइट आंसर फॉलो न्यूज़पेपर पेपर एवरीडे अपने तरफ से भी जो स्टैंडर्ड बुक्स है जो क्लासेस चल रही हैं बी रेगुलर यू विल गेन

लो प्रेशर सिस्टम का मतलब क्या होता है बारिश होगी बिकॉज लो प्रेशर है तो एडजॉइनिंग बे ऑफ बंगाल से भी और इधर अरेबियन से भी यहाँ पर विंड्स आएंगी इस प्रेशर सिस्टम को फिल करने के लिए विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर ट्रेवल करती है अब बिकॉज़ ये जो विंड है समुद्र से आ रही है पानी कैरी करके ला रही है यहाँ पे बारिश होगी सो दैट इज़ वाई और ज़्यादा रेन्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड है ट्रिगर्ड हो सकती है तमिलनाडु से भी वाटर इनफ्लो हो रहा है एक्चुअली केरला इस साइड है केरला इज दिस अरेबियन सी वेस्टर्न में है और इधर तमिलनाडु है तमिलनाडु का ये पार्ट जो है वो रिलेटिवली फ्लैट है बिकॉज ईस्टर्न घाट या नीलगिरी में ही यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं तो इसका भी एक रीजन है कि इस जोन में बहुत ज्यादा बारिश होती है केरला में तो वाटर इनफ्लो फ्रॉम तमिलनाडु है चीफ मिनिस्टर साहब ने अपील भी किया है सो दिस इज हेडिंग टू सेफ्टी इसमें एन डी आर एफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये दूसरा प्रॉब्लम रिव्यू हो रहा है चाइना होल्ड मिलिट्री ड्रिल्स फायरस मिसाइल नियर ताइवान तो पेलोसी का अभी विजिट था ताइवान पे और बीजिंग ने उसका स्ट्रॉन्ग ऑफेंस लिया है और यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स दिए हैं

रिवेंजफुल राइज क्या होता है कि इफ़ समथिंग रॉन्ग आपके साथ हुआ है तो आप फिर एक रिवेंज ड्रिवन एटीट्यूड से अपना सारा काम कर रहे हो तो दैट इज़ रिवेंजफुल राइज चाइना का चाइना की तीन फिलोसफीज चलती है अभी जो फिलोसफी चल रही है वो है शी जिनपिंग फिलोसफी शी जिनपिंग फिलोसफी का मतलब है मिलिट्री माइट को हमें एस्टैब्लिश करना है मिलिट्री माइट इससे पहले डेंग जियोपिंग फिलोस, फिलोसफी थी वो था इकोनॉमिक माइट को एस्टेब्लिश है तो इकोनॉमिक माइट तो हो गई चाइना की अब चाइना मिलिट्री माइट के ऊपर है और इससे पहले फिर जो फिलोसफीज थी वो थी माओज़ेडोंग एट्सट्रा वो था स्टैंड सो so, पहले स्टैंड फिर उसके बाद इकोनॉमी और उसके तीसरा स्टेप है मिलिट्री तो so, ये फेज थ्री चल रहा है दिस चाइनीज फिलोसफी का दिस थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड सो सी चाइना का स्टेटमेंट देखिए कंपेयरिंग द जी सेवन टू द एट नेशन अलायंस दैट इन्वेडेड चाइना इन नाइनटीन हंड्रेड अब वी कैन नॉट डिनाई दैट कि चाइना पे अट्रॉसिटीज़ हुई है एंड अट्रॉसिटीज ये सारी इम्पीरियल पावर ने की है इम्पीरियल पावर्स ने किए इवन जापान ने भी बहुत अट्रॉसिटीज की है चाइना पे सो so, ये चाइना के साथ हुआ और चाइना में ये परसेप्शन है एंड बिकॉज चाइना एक एशियंट सिविलाइजेशन भी है इंडिया की तरह इनका बहुत रिच कंटिन्यूड कल्चर रहा है सो दे फील ह्यूमिलिएटेड दे फील ह्यूमिलिएटेड कि उनके साथ दिस इम्पीरियलिस्ट पावर ने रॉन्ग डूइंग किया सो दे आर लाइक रिवेंज रिवन वी नो लॉन्गर लिव इन अ वर्ल्ड वेयर इम्पीरियलिस्ट पावर कैन राइड रफ शॉर्ड ओवर चाइनीस पीपल ऑन चाइनीज लैंड टूडेज चाइना इज नॉट द ऑफ़ चाइनाड इयर्स अगो दैट वाज़ ह्यूमिलिएटेड एंड बुलेट दिस इज देंटीमेंट दिस इज देंटीमेंट जो चाइना की अप्रोच में देखने को मिलता है एंड मेक्स चाइना इससे बहुत ज्यादा वर्ड अप्रिहेंसिव हो जाता है बिकॉज दिस इज अगेन ड्रिवन बाई रिवेंज सो प्राइक यहाँ पे चाइना अपना बता रहा है वी कैन वी हैव दिस कैपेसिटी एट्सट्रा कुछ मिसाइल्स भी वहाँ पे फायर किए अस सी यहाँ पे अब आगे क्या आउटकम होता है दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज चाइना के साथ वी हैव बॉर्डर डिस्प्यूट वी हैव बॉर्डर इशूज एक अभी गलवान क्राइसिस भी हुआ था सो देट इज़ वाई लेट इज़ वेट एंड वॉच मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यहाँ पे क्या बोलता है हम सेम लाइन ऑफ एक्शन फॉलो करेंगे दैन स्ट्रिंग ऑफ डेथ प्लीज सीक्स बैन ऑन फ्लाइंग ना सी ये जो त्यौहार होते हैं ये होते हैं फेस्टिवल्स फेस्टिवल्स होते हैं उत्सव होते हैं खुशियाँ मनाने के खुशियाँ मनाने के इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस भी होती है ये प्रैक्टिसज पुराने ज़माने से चली आ रही बट अब क्या होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें ये भी देखना चाहिए कि ये जो प्रैक्टिस हैं अब हमारी पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा हो गई है और इस स्केल में अगर ये प्रैक्टिस कॉन्टिन्यू होगी या फिर वो रिसेंट फॉर्म में अगर डिस्टोटेड भी हो रही है सो वी नीड टू टेक सम एक्शन फॉर एग्जाम्पल पतंग जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर कल्चर है इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर कल्चर है बट अब क्या होता है पतंग में मांझा भी होता है पहले ये बड़ा हेल्दी प्रैक्टिस होता था कि मांझा है फिर पतंगबाजी हो रही है लाइक दिस बट अब क्या होता है मॉडर्न डे में मॉडर्न डे में ये जो पतंग का मांझा होता है एक चाइनीज मांझा आने लग गया है चाइनीज मांझा जो टूटता नहीं है और बहुत शार्प होता है बहुत शार्प होता है तो क्या ये ना स्ट्रिंग ऑफ डेथ बन रहा है फेस्टिवल जो है वो रोज में कन्वर्ट हो रहा है प्लीज सीकिंग बैन ऑन फ्लाइंग काइट्स तो दिस इज नॉट अबाउट फ्लाइंग काइट्स दिस इज अबाउट मांझा दिस मांझा ये जो मांझा होता है ये स्ट्रिंग कोटेड विथ फाइनली क्रश्ड ग्लास और मेटल्स होता है ये चाइनीज़ मांझा आजकल बहुत पॉपुलर हो गया ये टूटता नहीं हो बहुत शार्प होता है कट लग जाता है ब्लड आ जाता है सो दिस इज मांझा तो कोर्ट ने इससे पहले एक सुनवाई किया था पी था पी ये था कि कंप्लीट बैन लगाए बिकॉज बिकॉज क्या है ये जो मांझा है एट टाइम्स बर्ड्स को भी किल कर रहा है और इससे एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं एक्सीडेंट्स इन द सेंस पतंग टूट गई फिर ऐसा कहीं धागा अटक गया तो एक ऐसा केस आया था कि एक मोटरसाइकिलिस्ट था और वो बहुत स्पीड से आ रहा था अब इतना पतला धागा दिखता तो है नहीं तो वो स्ट्रिंग जो थी उसने यहाँ पे डेथ हो गया सो दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर तो 2017 में भी गवर्नमेंट ने ये बोला कि सेल प्रोडक्शन स्टोरेज सप्लाई इंपोर्ट एंड यूज़ ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ दिस मांझा बिकॉज अभी मांझा प्लास्टिक नायलॉन सिंथेटिक चाइनीज थ्रेड वगैरह का आ रहा है और ये बहुत शार्प होता है और ये टूटता भी नहीं है और ये लाइफ थ्रेटनिंग बन रहा है कई बार बर्ड्स इससे टकरा जाती है अटक जाती है और दे डाय सो so, इस इसपे एक एक्शन लेना जरूरी है यहाँ पे ओके सो दिस इज एवरीबडीज रेस्पॉन्सिबिलिटी कि जो फेस्टिवल्स हैं ये खुशियों का टाइम होना चाहिए ये किसी के लिए सौरव नहीं बनना चाहिए सो दिस इज स्ट्रिंग्स ऑफ डेथ देन दिस इज गवर्नमेंट सेंक्शंस ओवर दिस एम सी डी इंडिपेंडेंस डे पुलिस टू इंस्टॉल वन थाउजेंड सीसी कैमराज नियर रेड फोर्ट अब देखो दिस इज अगेन पुलिस सिक्योरिटी कुछ बहुत अच्छे केस स्टडी के फॉर्डर पॉइंट है जैसे आपको इंचार्ज बना दिया है ना आप यहाँ पे पुलिस इंचार्ज हो अब आपको सेफ्टी सिक्योरिटी करना है आप क्या क्या करोगे न्यूज पेपर हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमें रेडीमेड फॉर्डर पॉइंट मिल जाते हैं फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी टाइटन करेंगे एंटी सेबोटाज अटैक जो है उसके लिए हम तैयार होंगे डॉक्यूमेंट में जैसे बताया इतने सीसीटीवीज़ हैं इतने मेगापिक्सल के हैं ठीक है दिस इज टेक्निकल इंफॉर्मेशन देन हम चेक्स क्या करेंगे सी हम यहाँ पे पेट्रोलिंग करेंगे पेट्रोलिंग मतलब गश्ती इंटेंसिफाई करेंगे एंटी सबोटाज चेक्स भी लगाएंगे थोरो चेक्स लगाएंगे कहाँ पर जैसे आसपास के होटल्स गेस्ट हाउस पार्किंग लॉट्स रेस्टोरेंट्स चेक करो वेरीफाई करो टेनेंट्स का है ना ये चीज़ हम देखेंगे व्हीकल्स का मॉनिटरिंग करो स्ट्रिक्ट विजिल रखो मेंटेन करो फिर इसके अलावा जो मिनिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो इंस्ट्रक्शन है प्लस जो वेलफेयर एसोसिएशन है वेलफेयर वेलफेयर एसोसिएशन है कॉलोनीज़ है उनके जो लीडर्स हैं ग्रुप है उनसे बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर हम एक प्रोहिबिटिंग ऑर्डर इशू करेंगे कि फ्लाइंग ऑफ एरियल ऑब्जेक्ट्स जैसे पैराग्लाइडर ग्लाइडर हॉट एयर बलून ये सब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में अलाउ नहीं होगा 26 डेज पहले से ही हम यहाँ पे पीरियड ऑफ 26 डेज टिल अगस्त 16 तक सिक्योरिटी रीजंस के लिए ये सारे थोड़ा चेक्स करेंगे अब ऐसा एक केस स्टडी आता है आपके पास ये सारे अच्छे पॉइंट्स हैं इनसे आइडिया लेके आप आंसर लिख पाओगे सो दिस इज रियली गुड Then this is next one. Washed away a portion of bridge damaged in पोर्शन ऑफ ब्रिज डेमेज इन दी रेन इन कोडागू ऑन थर्सून इन कोडागो ये कल आपने फ्लैग कोड पे एक अच्छा नोट तैयार किया तो लर्न दिस वी आर डूइंग दिस सो सिस्टमैटिकली आपका खुद ने उस पर आपने होमवर्क किया रिसर्च किया और आपका एक खुद का हैंड रिटर्न नोट भी समझ में आया और आपने उसे लिखा भी ये चीज ना रिटेन रहेगा रिटेन रहेगा एक्चुअली क्या होता है हम जिस एज में रह रहे हैं ना ये इंफॉर्मेशन ओवरडोज का एज है इन्फॉर्मेशन ओवरडोज आप कहने को इतने सारे वीडियोस देखते हो इतने सारे न्यूज आर्टिकल्स एटसेट्रा देखते हो बट अगर उसको आप कंसोलिडेट नहीं करते हो तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम मार्क माई वर्ड आपसे छह महीने बाद आप बहुत रिग्रेट करोगे कि इसको कंसोलिडेट क्यों नहीं किया सो दैट इज वाई जो हम एक्सरसाइज करते हैं जैसे फ्लैग कोड आपने देखा बिल्कुल वीडियोस देखो और उसको फिर लिखो भी उसको ऐसे कंसोलिडेट भी करो एक ए फोर साइज पेपर में शेयर करो सबमिट करो इससे एक इंटरेस्ट बना रहेगा और आप ऑन द राइट ट्रैक रहोगे सो दैट इज वाई राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आज की भी जो सवाल है उनको ट्राई उस पर थोड़ा सोचो आर एंड डी करो एंड प्रिपेयर अ वेरी गुड आंसर स्टैंडर्ड दिस इज सो दिस इज सो फ्रीबीज बीज है वेलफेयर डिबेट है स्टेप्स टू लिमिट फ्रीबीज और टू डिस्करेज पॉपुलरिज्म शुड कम थ्रू पार्लियामेंट अगेन ये जो बात होती है कि फ्रीबीज है या फिर ये वेलफेयर है इसका डिस्कशन अगर पार्लियामेंट से आए तो बेहतर है बिकॉज ये कोर्ट का, का काम नहीं है ये इलेक्शन कमीशन का, का काम नहीं है ये पार्लियामेंट का काम है जो हमने विधायक और जो सांसद चुने हैं ये उनका काम है तो पार्लियामेंट के थ्रू आए तो बेहतर होगा फ्रीबीज क्या होता है ये इकोनॉमी से ख़राब हो जाती है फ्रीबीज बीज पोशिंग द इकॉनमी टू र्यून और अनवायल प्री इलेक्शन प्रोमिस एडवर्सली अफेक्ट करते हैं इनफॉर्म डिसीजन मेकिंग बाई वोटर रीजनेबल दो समस्या है पहली समस्या ये है कि आपने बहुत सारे फ्रीबीज़ दिए जो अनवाइबल थे इससे आपकी इकॉनमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी दूसरी प्रॉब्लम ये है इन फ्रीबीज से इन अ वे आप वोटर्स को ब्राइब देने की कोशिश कर रहे हो उनका वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हो तो इलेक्शन का जो पर्पज़ है वो डिफीट हो गया there are two problems so few will disagree that constitutes freebies and what are legitimate welfare measures to protect the vulnerable sections freebies kya hai usko identify kaise kare aur kuch welfare measures hai unme कैसे identify करें दोनों में differentiate कैसे करें ये जानना जरूरी होता है और ये सवाल court से नहीं आए ये parliament से आए तो बेहतर होगा because parliament representative है हमारा representative है okay? तो रमन्ना साहब ने कहा एक बेंच में ऐसा पीआईएल आया था पब्लिक इंटरेस्ट आया था कि जो फ्रीबीज हैं फ्रीबीज है कोर्ट इसमें गाइडलाइन इश्यू नहीं कर रही है सजेशन है कि आप जैसे नीति आयोग हुआ फाइनेंस कमीशन हुआ लॉ कमीशन हुआ आरबीआई हुआ पॉलिटिकल पार्टी ये सब अच्छे से इस मैटर को देख समझ के सॉल्व करें क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है हम कैसे बताएंगे कि ये फ्रीबीज है कैसे बताएंगे कि ये वेलफेयर है तो ये जो बॉडीज हैं इंस्टीट्यूशन हैं ये अगर कंबाइंडली काम करें तो बेहतर होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो एड्रेस किया था प्रॉब्लम वो ये था कि इससे इलेक्शन को टैम्पर किया जाता है तो वो भी अगेन अगेन वैलिड पॉइंट है बट अगेन फ्रीबीज डिसाइड करना ईसीआई का, का काम नहीं है सी अगर मॉडल मैनिफेस्टो बनाएगा चुनाव से पहले ये ये काम करना है तो वो भी करेक्ट नहीं होगा तो बेंच ने इसको भी डिसफेवर कर दिया द इज ये सब मिलके फाइनेंस कमीशन भी देखे क्योंकि पैसा वो बता रहा है पॉलिटिकल पार्टीज लेजिस्लेचर देखे ये डिबेट एंड डिस्कशन से अगर ये करेंगे तो बेहतर होगा सुप्रीम कोर्ट ने जैसे रेफरेंस लिया सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु केस और इसमें यह बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ टेलीविज़न जैसे हुआ कंज्यूमर गुड्स हुआ तो ये इसमें वेलफेयर का एंगल ढूंढ लिया गया कि जो टेलीविज़न है इससे टारगेटेड एट वूमन था अगर कुछ वहाँ पे फार्मर्स था उनको इन किसान दिस चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा सो so, ये डी के अंदर आ गया पब्लिक फंड्स जो हैं वो हमने वेलफेयर के लिए लगाए तो कोर्ट ने इसको इलिगल नहीं कहा और इसको करप्ट प्रैक्टिस भी नहीं कहा तो अगेन दिस इज़ इंटरप्रटेशन ईसीआई ने भी सब्सिक्वेंटली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा कि ये क्या प्योरिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस को हार्म पहुंचा रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है वोटर्स को जस्ट बिफोर द जस्ट बिफोर द पोल्स सो द पॉइंट इज ये जो बात है ये लेजिस्लेचर और डिफरेंट जो बॉडीज हैं इसके थ्रू आए तो बेटर होगा पार्लियामेंट के थ्रू आए तो बेटर होगा बिकॉज यू नो ये अगर वेलफेयर है और ठीक है बट अगर अनसाउंड फ्रीबीज है तो ये एक बहुत बड़ा डेंट लगता है हमारी इकोनॉमी पे और इकोनॉमिकली साउंड नहीं होता है और फिर श्रीलंका जैसा केस होता है सो दैट इज वाई इकोनॉमिक हेल्थ को भी हेल्दी रखना जरूरी होता है डायलिंग राइट डायलिंग राइट गवर्नमेंट शुड एंश्योर दैट एक्स चेकर इन द पब्लिक बेनिफिट फ्रॉम स्पेक्ट्रम सेल तो फाइव का अभी सेल हुआ है कुछ ही टाइम पे ऑक्शन हुआ है स्पेक्ट्रम कुछ ही टाइम पे अभी 5G का रोल आउट चालू हो जाएगा सो दिस इज द रिजर्व प्राइस एटसेट्रा लेट वेट इसको हम अभी आराम से देखेंगे द इज 5G रोल आउट में भी साउंड इकोनॉमिक्स होना चाहिए एट द सेम टाइम इसमें वेलफेयर एंगल को भी मिस नहीं करना चाहिए एक बैलेंस्ड अप्रोच होना बेस्ट होता है वेटिंग फॉर डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर नो सी जम्मू एंड कश्मीर के पास था आर्टिकल 370 सेवन जीरो आर्टिकल 370 से एलियनेशन ऑफ द स्टेट हो रहा था इस बेसिस पे आर्टिकल 370 को हटाया गया जैसे बाकी राज्य हैं सिमिलरली वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर भी राज्य होगा जम्मू एंड कश्मीर को फॉर टाइम बीइंग फॉर टाइम बीइंग एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया था यूनियन टेरिटरी और लद्दाख अलग हो गया लद्दाख अब एक यूनियन टेरिटरी रहेगा बट जो जम्मू एंड कश्मीर है इसके लिए कहा गया था कि ये फॉर टाइम बीइंग यूटी रहेगा तो यूटी है यहाँ पे गवर्नर है अब द पॉइंट दिस जो सेंटर का अपॉइंट ही होता है तो जो यूनियन टेरिटोरी है यूनियन टेरिटोरी है इसमें अगर हम बिकॉज यहाँ पे विधानसभा भी है चुनाव कराना बहुत ज़रूरी होता है इलेक्शन कराना बहुत ज़रूरी होता है ताकि लोगों को अपने लीडर्स चुनने का पूरा हक मिले तो देट इज़ वाई डेमोक्रेसी यहाँ पे रिस्टोर करना प्रायोरिटी होना चाहिए स्टेबिलाइज करें तो फर्स्ट स्टेप इज असेंबली इलेक्शन असेंबली इलेक्शन टाइम पे यहाँ पे होना चाहिए okay? Uganda, See, 79, का हो गया है पहले बहत्तर तिहत्तर था तो ये डेप्रिशिएशन हुआ है ये क्राइसिस है या अपॉर्चुनिटी है अब अगेन कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है इसके दोनों पहलू हैं तो पहला पहलू ये देखते हैं कि पॉसिबली इसके बैकग्राउंड को देखें कि रुपी क्यों डेप्रिशिएट हुआ डिस्पाइट डेप्रिशिएशन जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है और रियल एक्सचेंज रेट है हैज नॉट रियली डेप्रिशिएटेड रियल एक्सचेंज मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड रियल एक्सचेंज रेट हैज़ नॉट रियली डेप्रिशिएटेड इन रीसेंट टाइम्स सो इसका मतलब है ट्रेड बैलेंस एक्सपोर्ट का जो है वो रियल एक्सचेंज रेट पे ही डिपेंडेंट ज़्यादा होता है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया है कहने को नंबर स्वेल well हो रहे हैं बट दैट इज़ नॉट रियल जो है वो नहीं हुआ है सर्टेन अदर फैक्टर्स के कारण डिफिकल्टी हुआ है तो द आइडिया इज कि रूपी डॉप्रिशिएशन से ट्रेड एंड एक्सपोर्ट में कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं आया है फंडामेंटल्स में लास्ट थ्री डेकेड्स में द सेंसिटिविटी ऑफ एक्सपोर्ट हैज़ बीन वीक एक्सपोर्ट वैसे भी वीक हो रहा है बिकॉज यूएस में यूरोप में स्लो डाउन चल रहा है तो एक्सपोर्ट वीक हो रहा है इम्पोर्ट तो वीक नहीं हो रहा और इम्पोर्ट रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो नुकसान हो रहा है हमें बहुत ज्यादा तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हमें मिल रही है रुपी डेप्रिशिएट होने के बाद बट एक्सपोर्ट ही वीकन हो गया तो ये एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिवनेस का क्या फायदा कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है जबकि इम्पोर्ट जो होता है वो डेप्रिशिएटिंग रुपी में बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है पहले हमें एक डॉलर के सत्तर देने पड़ रहे थे अब अस्सी देने पड़ रहे हैं महंगाई बढ़ गया सो ये एक डिसएडवांटेज हो रहा है कंसर्न है बट इतना भी नहीं है जितना श्रीलंका वगैरह में है बट बिकॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी है परचेजिंग पावर अब लोगों की कम हो जाएगी तो ये भी पॉसिबल है कि इम्पोर्ट हमारा कम हो जाएगा चीज़ें महंगी होगी इम्पोर्ट भी कम होगा तो रुपी डेप्रिशिएशन का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा दिस इज़ वन आर्ग्यूमेंट देन एक और आर्ग्यूमेंट है कि आउटफ्लो जो हो रहा है हॉट मनी हॉट मनी जो फॉरेन जा रहा है हमारा वोलेटाइल हो गया है स्टॉक मार्केट से एक्सेट्रा से तो उसको क्वेश्चन करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपना है रुपी अगर बहुत ज्यादा वॉलोटाइल हो जाता है जिग जगैसे चल रहा है तो आरबीआई अपने डॉलर बेचना चालू करता है बिकॉज डॉलर की शॉर्टेज से ही तो रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो डॉलर अगर अवेलेबिलिटी बढ़ा देंगे तो रुपी थोड़ा स्टेबल हो जाएगा तो आरबीआई कभी भी रूपी को डायरेक्ट इंटरवीन नहीं करती कि रुपी का क्या वैल्यू होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेट नहीं है बट आरबीआई उसको क्वेश्चन करती है कुशन करती है तो वही चीज यहाँ पे हो गई बट उसके लिए डॉलर हमारे कम हो रहे बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व अब तक पहुंच गया है है नेचुरल एडजस्टमेंट होना चाहिए इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो भी इस तरीके से हो रही है इन्फ्लेशन को कट करने के लिए कि डैम्पन हो सकती है लोकल डिमांड भी नॉन ऑयल नॉन गोल्ड ये सब सॉफ्ट होगा इम्पोर्ट इसका कम हो जाएगा तो रुपी का इतना नुकसान डेप्रिशिएशन का शायद नहीं हो ग्लोबल रेसेशन का भी टाइम है रेसेशन होगा तो क्रूड ऑयल प्राइस डाउन होगी तो अगेन थोड़े पैसे बच जाएंगे हमारे बिकॉज हम इम्पोर्ट कराते हैं क्रूड ऑयल बट अगेन इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बर्ड्स हैं सी थर्ड जो एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि आर वॉच कर रहा है इम्पोर्ट कवर फॉरेक्स रिजर्व का भी ऑल ये क्रिटिकल लेवल पे तो नहीं है बट फॉरेक्स रिजर्व हमारा डिक्लाइन हो रहा है दिस इज अ कॉज ऑफ वरी देन ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी में भी टाइटनिंग हो रहा है हर मार्केट में इन्फ्लेशन यूएस यूरोप हर जगह इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात चल रही है तो सप्लाई ऑफ सप्लाई ऑफ करेंसी मनी इजी लिक्विडिटी डिफिकल्ट होने वाला है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग है क्या वो हेज कर पाएगा पॉइंट शुड बी वेदर ईसी बी फ्लोज आर हेज्ड और नॉट फॉर करेंसी डेप्रिशिएशन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग हम उधार लेते हैं उधार लेते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग आप ये बताओ ई जो होता है क्या ये केवल गवर्नमेंट लेती है या प्राइवेट सेक्टर भी ईसी ले सकता है कॉरपोरेट ओके तो ये अब दोनों तरफ है कि रूपी एप्रिशिएट जो है डेप्रिशिएट जो है इट इज इज इट अ प्रॉब्लम और इज इट अ अपॉर्चुनिटी फॉलिंग रूपी प्रॉब्लम भी हो सकता है अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर बना रहे डोमेस्टिक प्राइसेस तेजी से बढ़ेगा इंटरनेशनल प्राइसेस को मैच कर लेगा देर कुड बी सम कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट है अब हम अपने टैक्सेशन बढ़ाए टैक्सेशन में भी कॉरपोरेट टैक्स बढ़ाने की बात की है पहले कॉर्पोरेट ज्यादा होता था फिर शायद ट्वेंटी फाइव परसेंट कर दिया कॉरपोरेट टैक्स बट द आइडिया इज ईज ऑफ डूइंग के लिए किया था कॉरपोरेट टैक्स अगर थोड़ा बढ़ा भी देंगे तब भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा दिस कॉरपोरेट इन इंडस्ट्रीज के परफॉर्मेंसेस के लिए ओके तो एक यहाँ पे मैसेजिंग दिया है कॉरपोरेट टैक्स को आप बढ़ा सकते हो आउटस्टैंडिंग डेट वगैरह है इसमें डिफिकल्टी आ सकती है इंटरेस्ट रेट हमारा बिल रेज हो जाएगा फिजिकल इम्बेलेंसेज होंगे ओवरऑल देखें तो रुपी जो है रूपी को अपना खुद से एक स्टेबल वैल्यू फाइंड करना देना चाहिए और एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट के लिए हमें न्यूअर मार्केट्स ढूंढने चाहिए न्यूअर सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना चाहिए और एट द सेम टाइम इम्पोर्ट का सब्सटीट्यूशन करना चाहिए दिस शुड बी सर्टेन थिंग्स जो करना जरूरी है डिक्लाइनिंग रुपया क्राइसिस और एन अपॉर्चुनिटी अब ये बड़ा अच्छा सवाल है इसी पे आपको आंसर राइटिंग भी करना है प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट कि आप फेवर में हो या फिर अगेंस्ट में हो ओके देन दिस इज पर्सनल बैंक लोन्स सर्ज यू अरेस्ट वेमेन कार्डर डेंगू का डेंगू का स्प्रेड हो रहा है आंगनबाड़ी ऑन रेंट एंड दीज आर वैकेंसी बहुत बट सी नहीं है सो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है नीड फॉर होप इन टाइम्स ऑफ डिस्पेर इंट्रा और इंटर में क्या डिफरेंस होता है इंट्रा मतलब विद इन इंटर मतलब बिटवीन टू इंटर का मतलब बिटवीन अपंग होता है फॉर एग्जाम्पल इंटर इंटर मतलब बिटवीन नेशंस इंटरनेशनल इंटर इंटर पार्टी इंटर डिसिप्लिन दिस इज इंटर देन इंट्रा का मतलब होता है विद इन ऑन द इनसाइड इंट्रा पार्टी क्वारल है इंट्रा पार्टी क्वारल्स है ओके फाउंड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं एक तो होता है जैसे फाइंड है फाइंड का पास्ट फिर फाउंड हो गया फाइंड फाउंड फाउंड सिमिलरली जो फाउंड है यहाँ पे फाउंड है यहाँ पे तो डिफरेंट वर्ब्स हैं एक्चुअली फाइंड फाउंड फाउंड और फाउंड फाउंडेड फाउंडेड ये से टू डिफरेंट वर्ब्स हैं फाउंड का मतलब होता है टू सेट ऑन अ फर्म ग्राउंड और बेस यहाँ पे फाउंडेशन है फाउंड है टू एस्टैब्लिश ही फाउंडेड एन एम्पायर द हॉस्पिटल वॉज फाउंडेड बाय माय फ्रेंड ही फाउंडेड अकूल ऑफ पोएट्री आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है बिकॉज यू आर रीडिंग न्यूज पेपर एवरीडे फॉलोइंग एनसीआर डूइंग आंसर राइटिंग इज वेल दिस इज फाउंड देन एक और चीज होता है टू फाइन टू फाइन मतलब कुछ ढूंढना अब ही ओन ट्रम्पेट मतलब वो खुद ही के अचीवमेंट हिमसेल्फ की तारीफ करता रहता है ही ब्लोज इज ओन ट्रम्पेट ऑल द टाइम देन लॉडेबल एंड लॉडिटरी का क्या डिफरेंस होता है लॉडेबल का मतलब होता है वर्दी ऑफ प्रेज कमेंडेबल हिज एक्शन इज रियली लॉडेबल द प्लान टू बिल्ड अ हॉस्पिटल इज लॉडेबल हिज एफर्ट्स टू हेल्प द पुअर आर लॉडेबल लॉडिटरी का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग प्रेज एक्सप्रेसिंग प्रेज at the meeting laudatory references were made to his service to the community okay so this is english then this is really good navy's women pilot charter new course first of its kind maritime session were nari shakti sky is the limit sky is the limit the five naval officers after completing the maritime reconnaissance and surveillance mission okay so this is sky is the limit open your wings spread your wings navy's women न्यू दिल्ली में फॉलो कर रहे इन ई पी एस ई पी एस ताइवान पेलोसी रेप्सअप साउथ कोरिया विजिट श्रीलंका फर्मली कॉमिटेड है वन चाइना पॉलिसी ईरान न्यूक्लियर टॉक है वियना मंकी पॉक्स पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इन्फ्लेशन ड्राइव हो रहा है इनफ्लेशन के पुश फैक्टर बताइए और पुल फैक्टर बताइए ओके तीन चार पांच पुश फैक्टर तीन चार पांच पुल फैक्टर इन्फ्लेशन के पुश एंड पुल फैक्टर क्या होते हैं टेल रुपी भी स्किड हो गया 25 पैसा वीक एक्सपोर्ट के कारण पीएमआई डेटा ने कहा डिमांड ही नहीं आ रही है वर्ल्ड लेवल पे दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम तो दिस इज देयर एंड uh, दिस इज बर्मिंगम 2022 और ये है चेस ओलंपियाड ओके मोर मेडल्स बट फ्यूअर गोल्स गोल्स ज्यादा नहीं आ रहे बट ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर लग रहा है ओके सो दिस इज टूडेज न्यूज पेपर दिस इज टूडेज न्यूज पेपर ऑल राइट सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ